आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल का एक डेलीगेशन आज कलेक्टर ऑफिस पर आकर महिषा के सुलेमान टेकड़ी ग्रेवे यार्ड के ताल्लुक से आए। मैंने 19/12/2020 को भी एक कलेक्टर ऑफिस में एक जो है सुलेमान टेकड़ी ग्रेवे यार्ड महिषा का जो है ताल्लुक से बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से फौरन जारी करना बोल के कलेक्टर साहब के पास एक अप्लीकेशन सबमिट करा था। और आज भी मैं आया, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, कलेक्टर साहब जो है तयखुन दिए कि वो सुलेमान टेकड़ी ग्रेवे यार्ड का जो है सेफ करने के ताल्लुक से सोचेंगे और सर्वे करेंगे बोल के उन्होंने तयखुन दिया। बड़ा एक ये जो है एक बहुत अच्छा, हम उनका इस जवाब का खैर मुकदम कर रहे कलेक्टर साहब का, बहुत अच्छी बात है। तो बोलना ये है कि ये जो है 8 एकड़ जो खबरस्तान था ये इक्रिचमेंट होते होते थोड़ा एक 2 एकड़ पे मोहित हो गया, तो इसको सेफ करना, ये वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, ये इसका गैजेट नंबर भी है और ये इसका सर्वे नंबर 134/1 है। 2018 के अंदर कमेटी के द्वारा जो है हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दाखिल करे थे, कोर्ट ने आर्डर दी थी वक्फ बोर्ड को के जो है 1 मंथ के अंदर 1 महीने के अंदर जाके वहाँ सर्वे करके उसको सेफ करना बोल। फिर कोर्ट के आर्डर होने के बाद क्यों सेफ नहीं कर रहे हा? इसको कौन रोक रहे, इसको क्यों रोक रहे, जबकि कोर्ट के आर्डर होने के बाद क्यों रोक रहे हा? ऑलरेडी कलेक्टर साहब खुद जो है ज़िले वक्फ प्रोडक्शन कमेटी की जो वक्फ की जो कमेटी होती है उसके कलेक्टर साहब खुद जो है प्रेजिडेंट होते, मैं उनसे मुतालिबा कर रहा हूँ, वो तवज्जो लेते हुए इसको भैंसा शहर के जो ग्रेवे यार्ड है जो भैंसे का खलब में है, जो एक चमन में सेंटर में एक छोटा बाग की तरह है, तो हम मुतालिबा ये कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, भैंसा शहर के अंदर करोड़ों रुपए के लागत ये प्रोग्राम डेवलपमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये खुश आनंद बात है बिल्कुल। ये डेवलपमेंट के साथ खांधे को खांधा लगा के हम भी ऑफिसरों के साथ बल्कि तमाम खायदीन के साथ हम है, लेकिन एक चमन में सेंटर में एक बाग जिसके अंदर जो है पिक्स वगैरह जा रहे, जिसके अंदर डॉग्स जा रहे, जो खुला रहने की वजह से लोग उसके अंदर दाखिल होके उसके अंदर गंदगी कर रहे, टॉयलेट को जा रहे, ये एक पवित्र मुकाम है, ये एक अच्छा मुकाम है, सबका आखिरी मुकाम है, उसको सेफ करना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और मेरा ये डिमांड है शहरियाने भैंसा के नौजवानों से, तमाम मुसलमानों से, कि इस तरह जानिब इस जानिब आप मुतवज्जो हो, क्यों कि हमारे आबो अजदाद वहाँ दफन है, हमारे वहाँ पर जो है बुजुर्ग है, अगर हम जिंदा शख्स अपने ऊपर कोई कीचड़ उठा दे, कोई अगर पानी डाल दे, कोई गंदगी डाल दे, कोई अगर कचरा डाल दे, तो हम अपने बर्दाश्त कर सकते, आप तसव्वुर में लाओ, ये हमारे माँ आबो अजदाद है, हमें भी वहीं जाना है, इसका सेफ करना के मेरा आज मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही इस मीडिया के माध्यम से, मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही, आप लोग सब जो है अल्लाह की अमानतों को जो है अल्लाह की अमानतों को सेफ करने का साथ दे, और सुलेमान टेकड़ी ग्रेवाट की तरफ मुतवज्जा चाहते हुए जो है इसका साथ दे। मैं यहाँ से निर्मल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से मैं मुतालिबा करूँ यहाँ ठहर कर मीडिया के ज़रिए के जितने भी आला अफसरान हैं, आला अहदेदार हैं, हमारे इस बात को लेते हुए हमारे सुलेमान टेकड़ी ग्रेवे यार्ड का सेफ करना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूँ। और दूसरी बात, तेलंगाना हाईकोर्ट के आर्डर होने के बाद भी सेफ नहीं हो रहा, तेलंगाना के चेयरमैन जो है सलीम साहब बयान देते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मेरा उनसे भी मुतालिबा है कि आप भी मुतवज्जा चाहते हुए भैंसे के ग्रेवे यार्ड का जो है सेफ करें, बल्कि तमाम कायदीन से मेरा मुतालिबा है, हमें कोई सियासत करना नहीं है, एक आखिरी घर है बल्कि हम इसके ऊपर जो है कई महीनों से हम पहल कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सुलेमान टेकड़ी ग्रेवे यार्ड की जो है सेफ करने के ताल्लुक से हमारा साथ दे आ गया है। और मेरा मीडिया के ज़रिए से एक सवाल है, सुलेमान टेकड़ी के ग्रेवे यार्ड जो सेफ नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है, क्या बात है, इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं हो रहे? भैंसा शहर के अंदर तमाम कब्रस्तानों की हिसारबंदी हो रही, सुलेमान टेकड़े की कब्रस्तान की हिसारबंदी क्यों नहीं हो रही? ये मीडिया के माध्यम से मेरे आला अफसरान से तमाम कायदीन से सवाल है। फिर कौन रोक रहे इसको, कौन बीच में है? बिल्कुल आप बोलो, हम अब आपका साथ देंगे, एक आखिरी घर का साथ देंगे जो आखिरी मंजिल सबकी है। तो मेरा ये बोलना है कि भैंसा शहर के अंदर बहुत डेवलपमेंट आ रहे, तो इस जानिब भी ज़रा मुतवज्जे होना। और मैं मीडिया के ज़रिए से सवाल है, 15 दिन के अंदर अगर इसको सेफ नहीं करेंगे, इसकी तरफ इसको इसके ताल्लुक से नहीं सोचेंगे, तो हम ज़िले लेते मुकामी सतह पर, ज़िले सतह पर, रियासती सतह पर, कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे, हम जो है वक्फ बोर्ड पर धरना देंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। हम जो है जब तक सुलेमान टेकड़ी ग्रेवे यार्ड भैंसे की बाउंड्री वाल नहीं होती, उसको सेफ नहीं करते, जब तक हम बरोबर लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, और हम पूरा अमन एहतजाज हमारा जारी रहेगा।